गुड मॉर्निंग दोस्तों, की हाल चाल आ। मैं उम्मीद कर दिया कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे और तुहा परिवार अपना सारा ठीक ठाक आ। खुश रहा करो, सब नू खुश रख्या करो, हसते रहा करो सारा दिन, क्योंकि हसना बहुत दुख दूर हो जाते हैं, बहुत बीमारियां भी दूर भाई दया ने। अज आप ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो ब्लॉग शुरू की शुरुआत करने तो पहले मैं तुहानू कहना चाहूँगी कि साडे चैनल नू वध तो वध सबसक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट कराया करो, लाइक कराया करो। तुसी जो कर नहीं रहे सानू लगता इंज, पर प्लीज़ कराया करो, वध तो वध शेयर करो, आपदे गां दी अगे आपदे रिश्तेदारां नू शेयर करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट मी। हुण आपां अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो इधर हनी जी तारां चो रहे आ, जो तुहानू दिखाने आ। ये गां तो तुहानू दस्सिया भी सी पहलां भी थोड़ा थन की प्रॉब्लम इन्हां दे थनां च, दुध जिहड़ा जम जांदा हैगा, छिड्डियां बन बन निकलदियां, तां हुण इहनू खाली करके ते ट्यूबां चढ़ाउणियां, रात चढ़ाउणियां सी, हुण फिर चढ़ाउणियां इहनू खाली करके, शाम नूं चढ़ाउणियां, दो थानी मगरले, ठीक है। ड्राई करदे आ, जदों ड्राई करन वेले आपां ਵੀ 4-5 ਡੰਗਾਂ ਚੋਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੂਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ, ਛਿੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੂਪਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਨੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਬਸ ਲਗਭਗ ਹਨੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਾ ਦੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਨਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ ਰਹੇ ਆ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਲੀ ਤਕੜੀ ਲੱਕੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਖੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਮਾੜੀ ਝਾਤੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆਵਾਂ। ਨਾ ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਾੜਤੀ, ਸਾਰੀ ਪਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਲੱਕੜ, ਉਹ ਵੇਖੀ 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 ਕਿਤੇ ਬਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਏ ਬਸ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹਰਪੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਪਾੜਿਆ ਜੀ, ਪਾੜਤੀ ਲੱਕੜ, ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹਰਪੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾੜਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜ, ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਤੜਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਂਗੀ ਚਾਹ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਪਾੜਦੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਪੈਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਅੱਜ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ।
एक ना तुसी भी शायद देखी होनी आ फोन पे अपने काफ़ी वीडियो चली सी थोड़ा टाइम पहला भी जड़ा वेलना दा मतलब अपनी रोटी वेलन वाला वेलना हुंदा है ना वो वेले नू आपां किसी भी उबलदी चीज़ उत्ते मतलब चाह दुध उहदे उत्ते रख दिए कहिंदे उह बाहर नहीं आउंदा। मैं बहुत काफ़ी वीडियो देखी हाँ, मैं हरप्रीत नू पुछया, मैं हरप्रीत दी गल हुंदी आ, हरप्रीत ने मैनू पता नहीं, चलो आप अज एक्सपैरीमेंट करके वेने भी वाकई होंगी है कि नहीं होंगी, होंगी है कि नहीं होंगी, 2 मिनट आप वेने तो आ मतलब के वेलना ठीक है अपने रोटी वाला आ मतलब के गैस हलो फुल चाह बाहर आती है ठीक है गैस का तो देख ही रहे हो बटन वेले नाल ला लग गई आके एक बार चाह हूँ वेने दोबारा फिर तो भी चाह फुल कि पिछली बार वेले नाल लग गई सी जा के हम देखते हैं एक डर आ मैनू अपनी मम्मी का भी क्योंकि मम्मी हमने हमने सिलेंडर करके गई है साफ तो जे चाह उबल गई मैनू अपनी गाना पैनी है वैसे आ नहीं रही बाहर नहीं नहीं छेती चाह बाहर आ जाती होंगी है हाँ देखो मतलब कि ना उत्थे खड़ी आ वेले दे नाल लग के बाहर नहीं आई बाकी गल ये है कुछ ना कुछ हद तक तुसी भी चेक एक्सपेरीमेंट करके देखियो ते आओ बटन जमा फुल ते आ गैस ही फुल नहीं आती बाकी एक्सपेरीमेंट सा मेरे कहने का एक्सपेरीमेंट हाँ ठीक है भी जे आप नहीं आती तो टाइम बज गए 1:30 ते लकड़ा आप पाड़तियां सीगा ते हुण हरप्रीत वाली मैं लगी है भुख वो लगी है बनाउण चौल मैं तां आखिया मिठे बना दे मैं भी खालूंगा क्योंकि मैं थोड़े मिठे चौल ज़्यादा पसंद है नहीं बासमती चावल ने पहला भिओं के रखते कितना टाइम भिओने हरप्रीत है चावल तो थोड़ा पानी ज्यादा लगता तो टाइम वो लगता ठीक है मतलब जो एक कौली चौलों की पाई है तो मतलब पानी कुकर तो 4 कौलियां पानी पैनगे मतलब इन्ना पानी वह मिलता सरों के तेल का लाओ कि तड़का अपनी आलू जीरी आती है आलू चीर के हरी मिर्च गंढे जड़ी भी चीज़ कोई बाहरों चीज़ अस लैके नहीं आए हूँ जड़ी चीज़ घर पाई सी तड़के वाली हर पीने की वो भी बना लें क्योंकि आप ही खाने आप कोई रिश्तेदार ने तो आना नहीं तो जो कोई रिश्तेदार आए फिर थोड़ा तड़का वधिया ला के बना ले छेदी बनने वाली सब तो वधिया चीज़ है ने तड़का चीज लिया बस थोड़े बस 2 जने खाने लगे मैं हरप्रीत ने खाने हैं थोड़े बहुत मम्मी खाऊगी सरों का तेल वैसे आप सारा तेल घर दे हुंदा अपना सरों का क्योंकि हरेक चीज़ अपने घर सरों तेल चीज बनती है जिसनों पता जट्टा के घर सरों का आम अपनी होंगी है तो तकरीबन जो भी इस चीज़ का तड़का लाने सरों तेल का ही लाने लाना चाहिए भी सरों के तेल का ही है क्योंकि सब तो वधिया होंगे सरों का तेल खाने वास्ते अजकल रिफाइंड आ गया डालडा घ्यो आ गया होर फलाना धमका बहुत तेल आई जाते पर जोड़ा सरों का तेल आ सरों का तेल सब तो वधिया मनिया गया सेहत वास्ते जे बंदा कोई भी किसी भी तरह का बंदा डॉक्टर रिफाइंड तो मना कर दिया डालडे घ्यो तो
मना करते हैं क्योंकि ये योजना चीज़ा होंगे जिद अटैक की प्रॉब्लम वाद आती है। एक सरों का तेल योजा जोड़ा अपन कद किसी भी बीमारी तो बीमारी लादा ना कि सौ बीमारियों तो बचा ही है। तुम्हें यही राय दिना कि वो तो वह घरें सरों के तेल का ही तड़का लाओ सब तो वधिया हुंदा। हरपीन ने तेल धरता बस तेल पक्कन वाला ही है ते उस तो बाद पाऊगी तड़का जो तड़का बन गया उस बाद पानी पा के ते विच चौल पा दूगी। आप देखते हैं अज मैं हरपीन आख्या मैनू भी सिखा दे यार कई बार नहीं हुंदा घर कोई बंदा आपके चौल बना के तो खा ही सकता होर ना कुछ मैनू तो बस तड़का हर चीज में पाता तड़का बनूंगा उस बाद चौल पावे बस तड़का दस मिनट दो चार मिनट के तड़का बन जाता बस तड़का भुज गया चौल तैयार है। चार पकौड़ियां पैनगे चौल है दूजे बासमती ने ठीक है बस उन्ना के पायो बाला पानी पाउन का फायदा नहीं पानी रह जूगा चलो मतलब कि दोस्तों जे डेढ़ कौली चौल आ साढ़े चार कौलियां पानी दियाँ फिर जो सही पानी नहीं रहा सही बन जाते हम लगे भी लून मिर्च पाँगा ज आपदे आपदे साथ स्वाद अनुसार पानी है जिन्हें जोड़ा जिनी पसंद करता मिर्चा थोड़ा पाओ गया क्योंकि हरिया मिर्चा पा दी बिच लून पाया कला हल्दी 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 पसंद नहीं मर्जी अगर पाने पा भी सकते पहला लून पाया थोड़ी मिर्च पाँगा क्योंकि पहला मिर्च पाती हरपीन ने तो कुछ हरपीन ने ज़्यादा मिर्च खानी भी नहीं सूँ पता हरपीन टाइफाइड थी टाइफाइड करके ज़्यादा हरपीन ने मिर्च खानी नहीं गी करके ने थोड़ी पाई है बस एक जो पहला प्यों थी वो पानी कढ़ दो ते एक बारी थोड़ा जा होर पानी पा के धो लो इन दो बारी जो चावल की क्वालिटी हुंदा ते जिद्दां दे चावल की क्वालिटी उस हिसाब नाल साफ कर लो जे ज़्यादा रेती मिट्टी वाले तो वध पा के कर लो साफ नहीं तो बस दो बार दे विच चावल साफ हो जाते हैं साफ कर लिया हरपीन चावल ते लगे पाउण बस चौल पाते हम उस तो बाद ढक्कन थोड़ा चंगी तरह पानी पा दो बिच एक चौलों वाला पानी होंगे वह कभी भी बिच ना पाया करो क्योंकि वो धूड़ मिट्टी होंगी है कि फिर चौल जो आप खाने वो किरक आती रही है चंगी तरह ला के हम पाओगे अगर पानी बिच बस ढक्कन लाता तो अब कि छिटकों लगन हरपीन होने दी बस तीन छिटकों के बच्चे बन जाएंगे तीन छिटकों में बना दे हाँ जी आप आए थे मगर अपने खेत गोभी तो नहीं हजे हुई चंगी फुल नहीं हुए
मेरे पूरे कल धर अज धर दें गाजर ये अपने घर दया रब ने दी गाजर बिचे रंबा रख ये वो गाजर मुहावरा ना एक रब ने दी गाजर के बिचे रंबा रख वो गाजर ये गोभी 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 वैसे हो ही पई है वधिया वधिया तकरीबन सारी हो जूगी गोभी वधिया बिना स्प्रे तो टाइम तो जरूर लेंदी है गोभी जी बिना रेह स्प्रे तो हुंदी है पर हुंदी बहुत वधिया खाण च स्वाद अंत तो वध के ते तोड़ के बेने खा ना देखो बीजे आ कितो गए आ वे मच गए सारे मटरी सी मच गए गोभी स्वाद आ नहीं तेन देने वाले नहीं मैं हर बिना गोभी स्वाद मैं है तो स्वाद पर तेन देने वाली नहीं घर दी गोभी एवं दे नहीं सियाने घर दी सब मटर भी होए पे है वधिया ना मिठे ना हरपी वधिया दाने ना है भी खाने जो मिठे ना वो गोभी भी स्वाद है थोड़ी जी थोड़ी जी गाजर गाजर दुद्ध वाली सुकिया नहीं सुना लगता पत्ते कट्ठे करके रख दे पा देंगे उत्थे पशुओं नूं जिहड़ियां मेव जिहड़ियां हैगियां ठीक वधिया तां ठीक आ पट लो नहीं दूजियां जिहड़ियां छोटियां आई जांदियां ना उह इक वाढो पट्टी चलमी जिहड़ियां छोटियां रह गईयां विच ना उह पशुओं नूं पा देंगे। हाँ जी दोस्तों इधर हनी गां दे लई जमी वढ रहे आ मैं तुहानूं दिखाउने आ तड़ा तड़ लग रहे वो गां जिहड़ी कि साडी खराब थण खराब आ जी उहदे लई उहनूं हुण असीं दुद्ध छड्डना ते कुछ नहीं पाउंदे कोई खुराक नहीं कोई दाणा नहीं उहदे लई वढ रहे आ भी चलो वाह वाह हो जाए एकदम खुराक भी नहीं घटा सकते ना पशुओं। हाँ जी साढ़े चार हो गए पट्ठे पुठे पशुओं ने दिते सी पा हूँ मैं इधर आया तो हरप्रीत गुनिया ने आटा सुन अज तो लगी पे थले दिखाऊ मैं किस दिन जिस दिन जिदे टान ते खड़ते खड़ के गाँधी हुआ बैठा ये थले फट्टी रख के है हरप्रीत थले फट्टी रख के फिर बराबर होंगी टान दे साडा काका छोटा थोड़ा साडा काका छोटा है ना काके छोटा ना साडा काका छोटा कोई नहीं जो वड्डा होगा उन्होंने आखो मैं गुण लिया करूँ है ना काके होगा काका है काके मैं होऊंगा वड्डा मैं भी है ना है काके होएगा वड्डा ना आहार भी गिला कपड़ा का रख दिने सिकरी गर्मी सिकरी आ जाती है ठीक किवें की गल दस क्यों कद बधाने का फायदा क्यों नहीं किदा क्यों छोटे क्यों कदों शहर नचना केड़ी गल
आउट हरप्रीत आउट होगी हरप्रीत आउट हनी आउट हो गया हनी आउट हो गया आउट हनी हरप्रीत आउट आउट होगी आउट हनी आउट तो पौने छे हो के हरप्रीत लगी है रोटी ते मैं भी वापस वो बन के पट्ठे पौन लगता सी ते चलो ओके दोस्तों टेक केयर मिलते हैं कल नवे दिन ते नवे व्लॉग दे विच ते प्लीज़ साडे चैनल नू सबसक्राइब करो वीडियो नू शेयर करो एंड लाइक करो ते कमेंट करके दस्या करो साडी कित्थे कित्थे कमियां ने ते प्लीज़ प्लीज़ सबसक्राइब कराया करो वध तो वध व्यू दिया करो ता जो असी भी अगे वध सकीए असी भी यूट्यूब ते फिर ट्रैवल कराया करांगे बाहर नवें तो नवें शहर च नवें हो सकिया तो वड्डे देशां च भी जरूर ये सब कुछ तुसी करवाउणा सोडे सर ते ही आ तुसी सानू आसमान ते पहुँचा सकदे हो तुसी सानू जमीन ते सट सकदे हो ये अपने दोस्त है जो अपनी यूट्यूब फैमिली है उस डिपेंड है ये जिहड़ी असी व्लॉग बनाने हैं असी तो कल्ला एक मोहर भी व्लॉग बनाने हैं सब कुछ करना तुसी है तुसी सानू आसमान ते पहुँचाउणा ते तुसी ही सानू जमीन ते डिगना प्लीज़ लाइक करा करो वीडियो नू चैनल नू सबसक्राइब करो।